ईलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो कि कंपिटेटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में कॉलेज कैडर के लाइब्रेरियन के 100 पद भरेंगे, ऐसी यहां पे खबर लगी है। और इसमें यह भी कहा गया है कि प्रदेश में कॉलेज कैडर के लाइब्रेरियन के 126 पद स्वीकृत है, इनमें से 26 पद भरे और 100 पद रिक्त है। इन रिक्त पदों को भरने का मामला सरकार के विचाराधीन है। प्रदेश में सहायक पुस्तकालय अध्यक्षकों के 1023 पद स्वीकृत थे। सरकार की ओर से 31 अगस्त 2020 को जारी अधिसूचना के अनुसार सहायक पुस्तकालय अध्यक्षकों के 771 रिक्त पदों को कनिष्ठ कार्यालय सहायक पुस्तकालय में परिवर्तित किया गया है। ये खबर आपको इसलिए पढ़ के बताई गई क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 771 जो JOA लाइब्रेरियन के नाम से इनको डेजिग्नेट किया गया है, इन पदों पर भी भर्ती होना प्रस्तावित है। ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। और देखिए, ये उत्तर निकला है विधानसभा के पटल पर। माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जवाब दिया है सरकाघाट के विधायक कर्नल इंदर सिंह के सवाल का, और ये लिखित सवाल था। ठीक है जी, तो देखिए आने वाले समय में आपको कॉलेज कैडर में लाइब्रेरियन के लिए एक अच्छी UGC का स्केल मिलता है, एक बहुत ही लग्जरी सैलरी वहाँ पर दी जाती है। यदि आपके पास लाइब्रेरियन से संबंधित क्वालिफिकेशन है तो आप इस पद के लिए तैयारी करना अभी से शुरू कर दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स इत्यादि विभिन्न तरह की उपयोगी किताबें आपको इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर मिल जाएगी। उसके बाद जो अभ्यर्थी प्लस टू पास है और हो सकता है इसमें अभी कुछ लाइब्रेरियन का डिप्लोमा वगैरह भी इंक्लूड करें, अभी इसका जो फाइनल नियम है वो पब्लिश नहीं हो पाए हैं कि 771 पदों को किस तरह से भरा जाएगा। जैसे ही हमारी टीम के पास इसकी कोई सूचना आएगी आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन आप अपने दिमाग में इतना रखिएगा कि 771 JOA लाइब्रेरियन के पद और 100 आपको कॉलेज कैडर लाइब्रेरियन के पद देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में देखिए तीसरी से संस्कृत और छठी की वैदिक गणित विषय की पुस्तकें तैयार कर दी गई है और इनका संचालन भी प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस पढ़ाई का संचालन होगा। ये एक अच्छी खबर है। HS में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ये प्रश्न कि कौन सी कक्षा से किस भाषा को शुरू किए गए, एक अच्छी शुरुआत की गई है। अक्सर हमने देखा है एक प्रश्न एजुकेशन से इस तरह का समसामयिक मुद्दों से हर बार HS अलाइड या नायब तहसीलदार की परीक्षा में देखने को मिलता है, तो आप इसको याद रखिएगा। छठी से वैदिक और तीसरी से संस्कृत शुरू करने की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के द्वारा की है। हिमाचल प्रदेश में 1785 ऐसे सरकारी प्राइमरी स्कूल है जहां पर उनकी संख्या 10 से भी कम है। देखिए एक तरफ सरकार जहां प्री प्राइमरी के ऊपर फोकस कर रही है, वहीं देखिए उसके जो पहली से लेकर फिफ्थ तक के स्कूल है उनमें जो बच्चों की संख्या है दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही है, चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो लोगों की डिमांड है उसको सरकार को यहाँ पर सोचना होगा और आने वाले समय में स्कूलों को फिर से इनमें एक अच्छी संख्या हो इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। वरिष्ठ सहायक का पद खाली होने पर ही मिलेगी प्रमोशन। तो यहां पे आपको बता दें कि प्रदेश सरकार 7 साल का सेवा काल पूरा कर चुके कनिष्ठक सहायकों को पदोन्नति देगी, लेकिन बशर्ते विभाग में वरिष्ठ सहायक का पद खाली हो। इस पदोन्नति में सचिवालय में कनिष्ठ सहायक भी शामिल है। प्रदेश सरकार 7 साल का सेवा साल पूरा कर चुके 487 कनिष्ठ सहायकों को अभी तक पदोन्नत कर चुकी है। इनमें सबसे बड़ा आंकड़ा शिक्षा विभाग का है, शिक्षा विभाग में 157, सचिवालय प्रशासन में 46, जल शक्ति में 40, उद्योग में 35, पुलिस में 33, वन विभाग में 27, ग्रामीण विकास में 26, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में 21 समेत अन्य विभागों के पदों को भरा जाना प्रस्तावित है। आगे बात करेंगे NHM में मर्ज नहीं होंगे आउटसोर्स CHO, ये भी खबर लगी है यहां पे। आप देखिए इनका किस तरह सरकार आगे इनके ऊपर निर्णय लेगी। तो ये सारी जानकारियां थी जो कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली आप क्या कीजिएगा, इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे जाइएगा,
टीजीटी आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल का कमीशन निकलने वाला है। हमारी टीम के द्वारा टीजीटी आर्ट्स कमीशन की बुक है जो कि आपको सिर्फ वेबसाइट पर ही अवेलेबल है, और इसके अलावा टीजीटी नॉन मेडिकल की ये वाली बुक है जो कि कमीशन के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आप वेबसाइट ilastudy.co.in के माध्यम से इन किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश में यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय तथा गिरिराज समाचार पत्र के संग्रह के साथ में पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर्स को कवरअप किया गया है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में मैगजीन से अवेलेबल है, विशेष डिस्काउंट भी यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके साथ में आप हिंदी और अंग्रेजी में भी हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की कंसाइज बुक से बड़े कम समय में आप अच्छे तरीके से इन किताबों को पढ़ सकते हैं। तो ये किताबें भी आपको महज 135 रुपये में अवेलेबल है, तो आप अपने लिए इन किताबों का ऑर्डर कीजिएगा। और इसके अलावा हम आपको अपडेट कर दें, देखिए ये वो आंकड़े हैं जहाँ से आपको अभी कॉल हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में टीजीटी आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल के 1587 पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है। तो आप जुट जाइएगा, रात दिन एक कर दीजिएगा, नियमित रूप से पढ़ाई कीजिएगा। और एचएस और नायब तहसीलदार की एडवर्टीजमेंट रिलीज हो चुकी है, उन परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रीवियस पेपर का बहुत ही ज्यादा महत्व है। प्रीवियस पेपर आपको विजन दिखाएंगे, इंडियन हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी जियोग्राफी से कितने प्रश्न कब पूछे जाते हैं, तो विजन आपका क्लियर होगा इन दो किताबों से जो कि अंग्रेजी और हिंदी में अवेलेबल है। दोनों किताबों में 35 प्रीवियस सॉल्वड पेपर तैयार किए गए, बहुत से प्रश्न यहां से रिपीट भी होते हैं, और मेरिट में आपको पता है एक एक नंबर के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो इन दोनों किताबों को आप अपने नजदीकी शॉपकीपर या फिर ilastudy.co.in वेबसाइट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आपको अपडेट कर दें कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक जो सर्वेक्षण होता है और केंद्र सरकार का जो बजट है, इसमें से बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सरकार का एक ऐसा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर हर एक सजग जो एग्जामिनर होता है उसका ध्यान वहां पे जाता ही है। तो हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है हिमाचल प्रदेश और केंद्र सरकार का बजट तथा आर्थिक सर्वेक्षण, जिसमें 2000+ का क्वेश्चन बैंक है। कॉलेज कैडर के अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत ही प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो आप इन किताबों का भी लुत्फ उठा सकते हो। चलते चलते आपको अपडेट कर दें, कॉलेज कैडर के लिए हिस्ट्री और राजनीति विज्ञान की हमारी किताबें बिल्कुल लॉन्च कर दी गई है। सचिवालय परीक्षा की किताब भी आप वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ में GIT अंग्रेजी की तीसरे एडिशन के साथ में किताब तैयार है, और इसका हिंदी का द्वितीय वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया है। तो इन किताबों के साथ में आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग ilastudy YouTube चैनल।